गृध्रराज संपाति की बातों से रावण के निवास स्थान तथा उसके भावी विनाश की सूचना मिली थी। उन्हें सुनकर हर्ष से भरे हुए वे सभी वानर सीता जी के दर्शन की इच्छा मन में लिए समुद्र के तट पर आए। वह सारा समुद्र पाताल निवासी दानव राजों से व्याप्त था। उस रोमांचकारी महासागर को देखकर वे समस्त श्रेष्ठ वानर बड़े विषाद में पड़ गए। उस समय शत्रु वीरों का दमन करने वाले श्रीमान अंगद ने बड़े बूढ़े वानरों का सम्मान करके उनसे ये अर्थयुक्त बात कही, किसके प्रसाद से हम लोग हर्षोत्फुल्ल होकर श्री राम महाबली लक्ष्मण तथा वानर वीर सुग्रीव के पास चल सकेंगे। यदि तुम लोगों में से कोई वानर वीर समुद्र को लांग जाने में समर्थ हो तो वह शीघ्र ही हमें यहाँ परम पवित्र अभय दान दे। अंगद की ये बात सुनकर कोई कुछ न बोला। वह सारी वानर सेना वहाँ जड़वत्त स्थिर रही। तब वानर श्रेष्ठ अंगद ने पुनः उन सब से कहा, तुम सब लोग दृढ़तापूर्वक पराक्रम प्रकट करने वाले हो। तुम्हारा जन्म कलंक रहित उत्तम कुल में हुआ है, इसके लिए तुम्हारी बारंबार प्रशंसा हो चुकी है। श्रेष्ठ वानरों, तुम लोगों में कभी किसी की भी गति कहीं नहीं रुकती, इसलिए समुद्र को लांघने में जिसकी जितनी शक्ति हो वह उसे बताए। अंगद की ये बात सुनकर वे सभी श्रेष्ठ वानर लंबी छलांग मारने के संबंध में अपने अपने उत्साह का शक्ति का क्रमशः परिचय देने लगे। गज, गवाक्ष, गव्य, शरभ, गंधमादन, मैंद, द्विविध, सुषेण तथा जामवान, इन सब ने अपनी अपनी शक्ति का वर्णन किया। इनमें से गज ने कहा, मैं 10 योजन की छलांग मार सकता हूँ। गवाक्ष बोले, मैं 20 योजन तक चला जाऊँगा। इसके बाद वहाँ शरभ नामक वानर ने उन कपीवरों से कहा, वानरों, मैं 30 योजन तक एक छलांग में चला जाऊँगा। तदनंतर कपीवर ऋषभ ने उन वानरों से कहा, मैं 40 योजन तक चला जाऊँगा, इसमें संशय नहीं है। तत्पश्चात महातेजस्वी गंधमादन, उसने उन वानरों से कहा, इसमें संदेह नहीं है कि मैं 50 योजन तक एक छलांग में चला जाऊँगा। इसके बाद वहाँ वानर वीर मैंद उन वानरों से बोले, मैं 60 योजन तक एक छलांग में कूद जाने का उत्साह रखता हूँ। तदनंतर महातेजस्वी द्विविध बोले, मैं 70 योजन तक चला जाऊँगा। इसके बाद धैर्यशाली कपिश्रेष्ठ महातेजस्वी सुषेण बोले, मैं एक छलांग में 80 योजन तक जाने की प्रतिज्ञा करता हूँ। इस प्रकार कहने वाले सब वानरों का सम्मान करके वृक्षराज जामवान, जो सबसे बूढ़े थे, बोले, पहले युवावस्था में मेरे अंदर भी दूर तक छलांग मारने की कुछ शक्ति थी, यद्यपि अब मैं उस अवस्था को पार कर चुका हूँ, तो भी जिस कार्य के लिए वानर राज सुग्रीव तथा भगवान श्री राम दृढ़ निश्चय कर चुके हैं उसकी मेरे द्वारा उपेक्षा नहीं की जा सकती। इस समय मेरी जो गति है उसमें आप लोग सुने, मैं एक छलांग में 90 योजन तक चला जाऊंगा, इसमें संशय नहीं है। ऐसा कहकर जामवान उन समस्त श्रेष्ठ वानरों से पुनः इस प्रकार बोले, पूर्व काल में मेरे अंदर इतनी ही दूर तक चलने की शक्ति नहीं थी। पहले राजा बलि के यज्ञ में सर्वव्यापी एवं सबके कारणभूत सनातन भगवान विष्णु जब 3 पग भूमि नापने के लिए अपने पैर बढ़ा रहे थे, उस समय मैंने उनके उस विराट स्वरूप की थोड़े ही समय में परिक्रमा कर ली थी। इस समय तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अतः छलांग मारने की मेरी शक्ति बहुत कम हो गई है, किंतु युवावस्था में मेरे भीतर वह महान बल था जिसकी कहीं तुलना नहीं है। आजकल तो मुझमें स्वतः चलने की इतनी ही शक्ति है, परंतु इतनी ही गति से समुद्र लंघन स्वरूप इस वर्तमान कार्य की सिद्धि नहीं हो सकती।
तदनंतर बुद्धिमान महाकपि अंगद ने उस समय जामवान का विशेष आदर करके ये उदारतापूर्ण बात कही, मैं इस महासागर के 100 योजन की विशाल दूरी को लांग जाऊंगा, किंतु उधर से लौटने में मेरी ऐसी ही शक्ति रहेगी या नहीं, ये निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। तब बातचीत की कला में चतुर जामवान ने कपिश्रेष्ठ अंगद से कहा, रीछों और वानरों में श्रेष्ठ युवराज, तुम्हारी गमन शक्ति से हम लोग भली भांति परिचित हैं। भले ही तुम 1,00,000 योजन तक चले जाओ, तथापि तुम सबके स्वामी हो, अतः तुम्हें भेजना हमारे लिए उचित नहीं है। तुम 1,00,000 योजन जाने और वहाँ से लौटने में समर्थ हो, किंतु तात वानर शिरोमणि जो सबको भेजने वाला स्वामी है, वह किसी तरह आज्ञापालक नहीं हो सकता। ये सब लोग तुम्हारे सेवक हैं, तुम इन्हीं में से किसी को भेजो। जब परम बुद्धिमान जामवान अपनी बात कह चुके, तब महाकपि बाली कुमार अंगद ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया, यदि मैं नहीं जाऊंगा और दूसरा कोई भी श्रेष्ठ वानर जाने को तैयार न होगा, तब फिर हम लोगों को निश्चित रूप से मरणांत उपवास ही करना चाहिए। बुद्धिमान वानरराज सुग्रीव के आदेश का पालन किए बिना यदि हम लोग किष्किंधा को लौट चलें, तो वहां जाकर भी हमें अपने प्राणों की रक्षा का कोई उपाय नहीं दिखाई देता। वे हम पर कृपा करने और अत्यंत कुपित होकर हमें दंड देने में भी समर्थ हैं। उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके जाने पर हमारा विनाश अवश्यंभावी है। अतः जिस उपाय से इस सीता दर्शन रूपी कार्य की सिद्धि में कोई रुकावट न पड़े, उसका आप ही विचार करें, क्योंकि आपको सब बातों का अनुभव है। उस समय अंगद के ऐसा कहने पर वीर वानर शिरोमणि जामवान ने उनसे यह उत्तम बात कही, वीर, तुम्हारे इस कार्य में कोई किंचित भी त्रुटि नहीं आने पाएगी। अब मैं ऐसे वीर को प्रेरित कर रहा हूँ जो इस कार्य को सिद्ध कर सके। ऐसा कहकर वानरों और भालुओं के वीर युद्धपति जामवान ने वानर सेना के श्रेष्ठ वीर हनुमान जी को ही प्रेरित किया, जो दूर तक छलांग मारने वालों में सबसे श्रेष्ठ थे।